अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन रिजाला। तो उसके लिए मैंने लिया है चिकन 1 kg एंड अनियन मैंने चॉप कर लिया है, और यहाँ पे है कैशु नट्स, जो काजू का पेस्ट है मैंने उसको बना लिया है, और ये है प्लेन योगर्ट जिसको मैंने थोड़ा सा शुगर डाल कर करके अच्छे से फेंट लिया है, और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट विथ ग्रीन चिली, एंड ये है मेरा गरम मसाला जिसमें मैंने बे लीव्स लिया है, स्टार एनीज है, एंड ब्लैक कार्डमम है, ग्रीन कार्डमम है, थोड़ा सा कोरिएंडर है, एंड होल गरम मसाला जो होता है ना वही है, एंड ये है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और ये देखें, ये पैन गरम हो चुका है तो अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल डाल करके भी थोड़ी देर इसको हल्का गर्म होने तक, अब मैं इसमें होल गरम मसाला जो था वो सारा मैं इसमें डाल दूंगी, ये अच्छे से चटक जाए सारे गरम मसाला, फिर मैं इसमें आगे के सारे मसाले डालूंगी जब तक कि अच्छे से पूरा ब्राउन हो जाए। लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको भी। फिर मैं इसमें अपना सारा चॉप्ड ऑनियन है जो इसको मैं डाल दूंगी उस। अब इसको अच्छी तरह से सॉटे करेंगे ताकि ये बस पिंकिश रहना चाहिए इसको, ये इसको भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसका पिंक कलर ही रहना चाहिए। अच्छे से इसको सॉटे कर लेंगे। अनियन को इतना फ्राई करना है कि वो अनियन जो है वो अच्छी तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाए। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक चिली का जो पेस्ट मैंने बना करके रखा था तो वो मैं अब डाल रही हूँ इसमें, उसको भी अच्छे से सॉटे कर लेना है। जब तक ऑयल ना छोड़ते तब तक हम इसको सॉटे करते रहेंगे। और देखिए ये धीरे धीरे सारा मसाला हमारा ऑयल छोड़ने लगा, तो हम इसमें धीरे धीरे अपने सारे चिकन के पीसेस जो हैं वो इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह से इसको हम चला चला करके अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि सब मिक्स हो जाए मसाला में। और इसको फिर हम लेट से कवर कर देंगे और मीडियम हीट पे थोड़ी देर के लिए टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको देखेंगे, तो ये देखें चिकन हमारा ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि वो हमने जो काजू का पेस्ट बना करके रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। ये काजू का पेस्ट हम इसमें डाल दें, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ दे। फिर से इसको लिड लगा करके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और याद रखें गैस एकदम मीडियम से स्लो ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। और ये देखिए ये सारा ऑयल छोड़ चुका है, तो अब हम इसमें दही फेट कर करके अच्छी तरह से दही फेट करके हम इसमें डाल देंगे। याद रखें कि दही फेट करके ही डालें, ऐसे डालने से दही क्या होता है वो फट जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स कर करके इसको भी थोड़ी देर तक हम लिड कवर करके इसको भी पकाना है, मीन्स 5 to 10 minutes धीमे आंच पे हम इसको छोड़ देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसको कवर कर देते हैं अच्छे से। और ये याद रखना है आपको कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ता है,
ये अपना ही जो इनका दही का या जो भी मसाले का जो भी पानी होता है उसी के पानी में ये टेंडर हो जाता है। और ये मैंने डिश आउट कर लिया है, तो देखिए हमारा चिकन रज़ाला रेडी है। एंड यू मस्ट ट्राई दिस, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड थैंक्स।